जो अपने पार्टनर को रिझाने के लिए या उसके सामने अपने प्यार को दर्शाने के लिए डांस करना पसंद करते हैं। इन पक्षियों का ये डांस कई बार तो इतना आकर्षक होता है कि आप इन पर से अपनी नजरें भी नहीं हटा पाएंगे। आज हम आपके सामने ऐसे पक्षी लेकर आए हैं जो एक्साइटमेंट में नाचते हैं। नंबर 10, बोअर बर्ड। हमारी आज की लिस्ट में पहले नंबर पर है बोअर बर्ड। इसका अपने प्यार का इजहार करने का तरीका इतना खूबसूरत है कि अगर इसकी पार्टनर मना भी करना चाहे तो भी उसे 10 बार सोचना पड़ता होगा, क्योंकि जब कोई नर बोअर बर्ड किसी मादा बोअर बर्ड को रिझाना चाहता है तो इसके लिए उसे काफी मेहनत करके एक सुंदर घोंसले का निर्माण करना पड़ता है। ये घोंसला छोटे पत्थरों, हड्डियों के टुकड़े, टहनियों जैसे कई चीजों से मिलकर बनता है। इस घोंसले को बनाने के बाद बारी आती है इस घोंसले को सजाने की, जिसके लिए नर बोअर बर्ड चमकीली चीजों और फूलों का इस्तेमाल करते हैं। नर के द्वारा बनाया गया ये घोंसला बोअर कहलाता है। लेकिन इनकी ये कोशिश यहीं खत्म नहीं होती। मादा बोअर बर्ड उस घोंसले के अंदर तभी जाती है जब उसे वो घोंसला पसंद आता है, जिसके बाद नर बोअर बर्ड उसके सामने बहुत सुंदर डांस की प्रस्तुति देता है। मादा बोअर बर्ड को डांस पसंद आने के बाद ही वो नर बोअर बर्ड को मेटिंग की मंजूरी देती है। लेकिन अगर उसे नर द्वारा बनाया गया घोंसला या फिर उसका डांस पसंद नहीं आता तब तो उनकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। नंबर 9, सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। आप सभी ने ऐसे चीजों के बारे में तो सुन ही रखा होगा जिनका हमारी लाइफ में आना गुड लक माना जाता है। कुछ ऐसा ही बर्ड ऑफ पैराडाइज के लिए भी कहा जाता है। मगर आज हम इस पक्षी के एक बहुत करीबी रिश्तेदार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। ये अपने अनोखे और बेहद सुंदर शरीर के साथ ही अपनी डांसिंग स्किल्स के लिए भी जानी जाती है। दरअसल जब नर पक्षी की लाइफ में अपने पार्टनर को मनाने की बारी आती है तो वो मादा के सामने अपने पंख फड़फड़ाते हुए डांस करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही ये अपने कदमों की थाप से एक स्पेशल आवाज भी करता है, जिसे देख मादा इनकी तरफ आकर्षित होने लगती है। वैसे इन सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज के शरीर की एक और खासियत है कि इनके पंख दुनिया के सबसे काले पंखों में से एक हैं। यहां तक कि अगर आप भी इन्हें पहली बार देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। नंबर 8, ग्रेटर बर्ड ऑफ पैराडाइज। अभी हमने एक सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज को काफी करीब से देखा है, जो अपने पार्टनर को रिझाने के लिए बहुत खूबसूरत डांस करता है। लेकिन बर्ड ऑफ पैराडाइज की प्रजाति में ये अकेला ही ऐसा नहीं है जिसके हिस्से में डांस शामिल है। डांस करने के मामले में यहाँ ग्रेटर बर्ड ऑफ पैराडाइज का नाम भी काफी आगे है। इस प्रजाति के नर के शरीर पर पीले रंग के सुंदर पंख होते हैं और इनकी पूंछ भी लंबी होती है, जबकि वहीं मादा के पंखों का रंग भूरा होता है। नर अपने पार्टनर को रिझाने के लिए अपने पंखों को तेजी से हिलाकर नाचना शुरू कर देता है, जबकि इस दौरान मादा का काम इस डांस का निरीक्षण करना है। यदि उन्हें नर का डांस भाता है तो फिर वो उसे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुन लेती है। वैसे अपने पंखों को हिलाते हुए ये पक्षी वाकई में स्वर्ग से आए परिंदे की तरह दिखाई देते हैं। आप भी अगर इन्हें ऐसे देखेंगे तो चकित रह जाएंगे। नंबर 7, ग्रेटर सेज ग्राउस। जब भी हमारे सामने किसी पक्षी का जिक्र होता है तो हम यही सोचते हैं कि इसका संबंध जरूर लंबी और ऊंची उड़ान से है, लेकिन ग्रेटर सेज ग्राउस के बारे में ये बात थोड़ी गलत साबित होती है। ये वो पक्षी है जिसे जमीन पर रहना पसंद है और साथ ही अपने मेटिंग डांस के लिए सभी जगह जाना जाता है, क्योंकि यहाँ किसी मादा को मनाने के लिए अकेला नर डांस नहीं करता, बल्कि कुछ नर एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और इसके बाद मादा के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अपनी छाती को फुलाते हैं। इसके साथ ही इन पक्षियों का डांस शुरू होता है, जिसमें ये अपनी पूंछ को मोर की पंखों की तरह फैलाकर एक खास तरह की मूवमेंट करने लगते हैं। यही नहीं, जब ये अपने मुंह को ऊपर करके छाती में हवा भरते हैं और इसे वापस बाहर छोड़ते हैं तो एक खास आवाज भी निकालते हैं। इस पूरे परफॉर्मेंस को स्ट्रट कहते हैं और इसे देखने के बाद ही मादा अपने लिए सही नर को चुनती है। वैसे इनका ये डांस वाकई देखने लायक होता है। नंबर 6, वेस्टर्न एंड क्लार्क्स ग्रेब्स। पक्षियों की इस दुनिया में अगर आप सबसे अच्छे डांस की तलाश में हैं, तो आपको एक बार वेस्टर्न एंड क्लार्क्स ग्रेब्स को डांस करते हुए जरूर देखना चाहिए। मीठे पानी में रहने वाले ये पक्षी जब डांस करने के लिए पानी में उतरते हैं तो लोगों के लिए इन पर से अपनी नजरें भी हटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दरअसल इन पक्षियों में भी ये डांस अपने पार्टनर का दिल जीतने के लिए होता है, मगर ये कुछ पलों का डांस ना होकर थोड़े लंबे समय तक चलता है। इस दौरान नर और मादा पानी में उतरते हैं और अपने पंखों को हवा में फैलाकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। यहां दोनों के बीच एक मजेदार डांस शुरू होता है, जिसमें वे अपनी चोंच से कभी खुद के पेट को छूते हैं तो कभी पानी में गोता मार देते हैं। इन्हें इस तरह से डांस करते देखना काफी रोमांचक लगता है। डांस के आखिर में मादा किसी एक नर का चयन करती है और फिर ये मिलकर अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं। नंबर 5, रेड कैप्ड मैनेकिन।
अब आप जिस छोटी सी चिड़िया को देख रहे हैं, इसे अगर पक्षियों का माइकल जैक्सन भी कहेंगे तो शायद कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका डांस होता ही इतना खूबसूरत है कि कोई भी इनसे नजरें नहीं हटा पाता। रेड कैप्ड मैनकिन जब किसी पतली डाली पर अपने कदमों को थिरकता है तो ऐसा लगता है जैसे ये मूनवॉक कर रहा है। इसका काले रंग का शरीर, लाल सिर और पीले पैर जब किसी डाली पर अपनी पार्टनर को रिझाने में आते हैं तो अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देते हैं। दरअसल जब रेड कैप्ड मैनकिन के नर को अपनी मादा को इम्प्रेस करना होता है तो ये एक छोटा ग्रुप बनाते हैं जिसे लेक के नाम से जाना जाता है। अब ये ग्रुप अपनी परफॉर्मेंस देता है जिसका फैसला मादा के हाथ में होता है। रेड कैप्ड मैनकिन डांस करते हुए कभी आगे जाता है तो कभी मुड़कर पीछे की साइड सरकने लगता है, जिसे देख आपको माइकल जैक्सन की याद भी आ सकती है। नंबर 4, बॉल्ड ईगल। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि बॉल्ड ईगल दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक है और अपने खतरनाक शिकारी अंदाज के लिए जाना जाता है। लेकिन शायद आपको ये बात हैरान कर देगी कि ये शिकारी अपने पार्टनर को रिझाते वक्त बहुत कूल अंदाज में नजर आता है, यहाँ तक कि इसके लिए ये डांस तक करने से भी पीछे नहीं हटता है। जी हाँ, जब नर बॉल्ड ईगल को अपने साथी के साथ प्यार भरी बातें करना होती हैं तो ये हवा में उसके पास पहुँच जाता है, जिसके बाद दोनों अपने पंजों को आपस में मिलाकर करतब दिखाते हुए नीचे जमीन की तरफ आने लगते हैं। इनकी ये कलाबाजियाँ इतनी अच्छी होती हैं कि जो भी इन्हें देखता है वो देखता ही रह जाता है। वैसे डांस करते वक्त ये भले ही इतना रोमांटिक हो जाए, लेकिन जब बात असल लाइफ की आती है तो ये किसी खूंखार शिकारी से कम नहीं होते। जानकारी देते हुए आपको बता दें कि बॉल्ड ईगल का नाम दुनिया के सबसे बड़े ईगल्स की लिस्ट में भी शामिल है। वहीं इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नेशनल बर्ड भी बनाया गया है। नंबर 3, पीकॉक। डांस करने वाली पक्षियों की बात हो रही हो और यहाँ मोर का नाम ना आए, भला ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो हम बचपन से ही सुनते और देखते आ रहे हैं कि मोर सदियों से अपने डांस से तमाम जंगलों की खूबसूरती को बढ़ाता आ रहा है। जब ये डांस करने के लिए अपने पंखों को फैलाता है तो फिर आंखें इससे हटकर कहीं और जाने के लिए राजी ही नहीं होती। हमारे लिए जहां मोर का ये डांस हमारी आंखों को सुकून देता है, तो वहीं मोर के लिए ये डांस अपनी मोरनी को आकर्षित करने के लिए होता है। दरअसल जब आसमान में काली घटाएं छाती हैं और मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचना शुरू करता है तो वो इस दौरान ही मोरनी को रिझाता है। मोर को ऐसे नाचते देख मोरनी पहले मोर के आसपास घूमती है और वहाँ जितने मोर होते हैं सबको ध्यान से देखती है। इसके बाद जिस मोर का डांस उसे लुभाता है वो उसका चयन कर उसके साथ अपना जोड़ा बनाती है। दरअसल मोरनी के लिए सही मोर का चयन अपनी आने वाली संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। नंबर 2, ऑस्ट्रिच। दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में से माने जाने वाले ऑस्ट्रिच के खतरनाक हमलों के बारे में तो आपने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि ऑस्ट्रिच को भी मादा को मनाने के लिए डांस का सहारा लेना पड़ता है? हम आपको बता दें कि जब मादा ऑस्ट्रिच अपने लिए किसी साथी की तलाश कर रही होती है, इस दौरान नर ऑस्ट्रिच अपने बड़े और घने पंखों को फैलाकर मादा के सामने डांस करना शुरू कर देते हैं। जब वे डांस करते हैं तो अपने पंखों को किसी मोर की तरह फैलाते हैं और हवा में जोर जोर से हिलाने लगते हैं। यही नहीं, वे अपनी गर्दन को भी गोल घुमाकर अपने साथी को इम्प्रेस करने लगते हैं। इन्हें ऐसे डांस करते देख ये तो बिल्कुल नहीं लगता कि असलियत में ये पक्षी खतरनाक स्वभाव के होते हैं। खैर, जब मादा को कोई नर ऑस्ट्रिच पसंद आ जाता है तो वो उसके सामने बैठ जाती है। मादा ऑस्ट्रिच के इस तरह से सामने आने पर नर ये समझ जाता है कि मादा की तरफ से उसे सहमति मिल चुकी है। वैसे मादा को रिझाने के लिए ऑस्ट्रिच की कोशिश भी देखने लायक है। नंबर 1, ब्लू फुटेड बूबीज। इस दुनिया में कितने तरह के जानवर पाए जाते हैं इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जैसे आप इन ब्लू फुटेड बूबीज को ही देख लीजिए, जहाँ इनका शरीर दिखने में सुंदर होता है तो वहीं इनके नीले पैर इस सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। ब्लू फुटेड बूबीज को अपने इन पैरों पर काफी गर्व होता है और जब इन्हें अपनी पार्टनर से प्यार का इजहार करना होता है तब भी ये इन पैरों का ही सहारा लेते हैं। दरअसल नर ब्लू फुटेड बूबीज अपने साथी को दिखाने के लिए काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। डांस करते हुए ये पक्षी पहले अपने एक पैर को उठाते हैं तो उसके बाद इसे जमीन पर रखकर दूसरे को उठाते हैं। इन्हें ऐसा करते देख लगता है जैसे ये एक ही जगह खड़े होकर डांस कर रहे हैं। वहीं ये अपने पंखों को मादा के सामने फैलाते हुए गर्दन को भी उसकी तरफ झुकाते हैं। इस दौरान जिस नर ब्लू फुटेड बूबीज के पैर सबसे अधिक नीले होते हैं वो उतना ही अधिक आकर्षक माना जाता है। इसके बाद मादा उसी के साथ अपना जोड़ा बनाती है। बस अगर हम आपसे पूछे कि आपको इन जानवरों का ये प्यार जताने का तरीका कैसा लगा या आपको इनमें से किस जानवर का डांस सबसे अच्छा लगा, तो आपका क्या जवाब होगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।